नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। राकेश टिकैत, राकेश टिकैत एक नाम जिसने दिल्ली में माहौल बनाया और सबसे ज्यादा किसान आंदोलन, किसानों के नाम पर जनता को गुमराह करने का नाम काम कर रहे हैं लगातार राकेश टिकैत। लेकिन ऐसे मामले में उनका नाम आया है, ऐसा बयान उनका है जिसके बाद उनका पिंडदान किया जा रहा है। आपको भी हैरत हो रहा होगा, हम अभी आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश में उनका पिंडदान किया जा रहा है और उनका जनाजा निकाला जा रहा है। दरअसल राकेश टिकैत ने मंदिरों पे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि मंदिर उन्हें खाने के लिए नहीं दे रहे हैं और वो जो वहाँ पे आंदोलन करने बैठे हैं दिल्ली में, इनको खाने के लिए लोग लाएं और दें ताकि वो महीना, दो महीना, चार महीना और या सालों साल वो वहाँ पे पड़े रहें, दिल्ली में कब्जा जमाए बैठे रहें और सरकार को काम न करने दें। ये उनकी मंशा है। अब उनकी मंशा से ये साफ तौर पे पता चलता है कि अब ये किसान आंदोलन, कृषि आंदोलन या किसानों के हित का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि किसानों को गुमराह करने का और देश के विकास को रोकने का आंदोलन हो गया है। पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में गुस्सा जाहिर किया गया है कि साफ तौर पे कि क्यों मंदिरों पे आरोप लगाया गया, मंदिरों पे भद्दी टिप्पणी की गई राकेश टिकैत के द्वारा। इसलिए पहले हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। देखिए वीडियो। तो वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि खुलेआम नारे लग रहे हैं और साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने खाना मांगा है, उनको खाना खिलाया जा रहा है, पिंडदान किया जा रहा है। मैं इन चीज़ों का खुले तौर पे समर्थन करूं या आपको बताऊं कि किस तरीके से ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो आप उस पर निर्भर करता है। आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं। अब बात कर लेते हैं राकेश टिकैत पे, जिस व्यक्ति ने किसान आंदोलन का तमगा लिया, आंदोलनकारी बना, लेकिन आंदोलनकारी बनते हुए एक खास समुदाय को खुश करने के लिए और एक क्षेत्र विशेष के नेता बनने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि आंदोलन में बैठकर साफ तौर पे कह रहे हैं कि मंदिर उन्हें खाने के लिए नहीं देता है और ये पंडित हैं जो फर्जी हैं और सिर्फ अपना पेट भरते हैं, लेकिन इनके यहाँ अनाज नहीं पहुँचा रहे हैं या आंदोलन में इनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। अब इनसे कौन सवाल पूछे कि आप कौन होते हैं आरोप लगाने वाले और क्यों ऐसे फर्जी नेताओं को कोई मंदिर चंदा दे, ऐसे फर्जी नेताओं को खाने पीने की व्यवस्था मंदिरों से क्यों प्राप्त हो? क्या ये जो हिंदू और सिखों की राजनीति कर रहे हैं ये किसान आंदोलन है? और कौन सा किसान आंदोलन है जो हिंदू और सिख की राजनीति करने की अनुमति देता है? ये कौन सा किसान आंदोलन है जो इन्हें अनुमति देता है कि वहां पर बैठ के ये खालिस्तानियों का समर्थन करें, खालिस्तानियों की आवाज बुलंद करवाएं और वहां पर बैठ के दिल्ली दंगाइयों का पोस्टर बैनर लगवाएं? ये बोलते हैं कि हमें विपक्ष और सत्ता पक्ष, खास तौर से सत्ता पक्ष और हिंदू आदि नेता इनको देशद्रोही बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाए जो कि संरक्षण दे रहे हैं देशद्रोहियों को? अगर आप देशद्रोहियों को संरक्षण देते हो तो जाहिर सी बात है आपको देशद्रोही ही बोला जाएगा। और फिर किसान कृषि बिल के नाम पे आप तांडव करते हो, किसानों के बिल को, किसानों के आंदोलन को बेच रहे हो। दिल्ली में बैठ के मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि सच्चाई यही है कि मोटी फंडिंग होती है और जहां से फंडिंग हो रही है उनका तो गुणगान करेंगे ही, इनको हिंदू मठों से, हिंदू मंदिरों से फंडिंग नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये बुराई कर रहे हैं हिंदू मठों और मंदिरों का। लेकिन
अब जो इन पे आरोप लग रहे हैं, ये ट्विटर पे सोशल मीडिया पे आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं कि जब इनकी मांग नहीं सुनी गई सरकार के द्वारा और कृषि आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप हो गया, तो इन्होंने दूसरी राजनीति करना शुरू कर दिया। अब ये सिख बनाम हिंदू राजनीति कर रहे हैं, पंजाब बनाम यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और अपना राजनीतिक करियर सेट करने के लिए जो पूरा का पूरा ये राकेश टिकैत के द्वारा दांव खेला जा रहा है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किसान आंदोलन अपनी दिशा पर नहीं है, पूरी तरीके से दिशा से भटक चुका है। और अब तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार को इन पे डंडे चलाना चाहिए और इनको भगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की अब आंदोलन की जरूरत नहीं है। आंदोलन 22 दिन 25 दिन एक एक महीने जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन नहीं बचा है, पूरी तरीके से दिशा विहीन हो चुका है। और अगर ये आंदोलन का सही लक्ष्य होता तो ये सफल हुआ होता अब तक में, क्योंकि सरकार 5 से 6 बार इनसे समझौता करने के लिए आई, बार बार सरकार बोल रही है कि हम समझौता करेंगे, चाहे एमएसपी पे बात कर लो, चाहे कोर्ट पे बात कर लो, या और कोई सुधार आप करना चाहते हो, हर स्तर पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो कृषि मंत्री हैं, सारे लोग बार बार इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत सोए हुए हैं। राकेश टिकैत पूरे पूरे डकैत हो गए हैं। मैं डकैत शब्द का प्रयोग करूंगा, टिकैत के लिए डकैत शब्द का, क्योंकि ये किसानों के भविष्य पे और किसानों की विकास तरक्की पे डकैती डालने का काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। क्योंकि जो कृषि कानून देश में बदलाव करने के लाया गया है, 70 सालों से चली आ रही एक परंपरा में सुधार लाने के लिए एक प्रयास किया गया है, आप उसे पूरी तरीके से वापस कराना चाहते हो। किस हक से वापस कराना चाहते हो? आपको किसने अपना नेता चुना? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के किसी प्रदेश ने आपको अपना नेता नहीं चुना है, और आप एक चुने हुए नेता नहीं हो, आप स्वघोषित नेता हो, और आपको अपने संगठन के दायरे में रहना चाहिए। आप लोकतंत्र को, देश के संविधान को और देश की व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो, और जो ये धार्मिक ताना बाना है उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। आज स्थिति क्या है? हर जगह सोशल मीडिया पे हिंदू बनाम सिख होता जा रहा है। हिंदू बनाम सिख होने की वजह यही कृषि आंदोलन है, और कृषि आंदोलन के दामन में बैठकर ऐसे लोग, और ये ऐसे नेता हैं जो उन नेताओं को जगह देते हैं जिन्होंने सिख दंगा करवाया था। सिख दंगा शायद देश भूला नहीं होगा, खुलेआम दिल्ली में सिखों को कटवाया गया था कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान, लेकिन ऐसे सिख दंगाइयों को अपना नेता मान रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं वर्तमान सरकार पे। आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन मुद्दे पे बात करो, मुद्दे से भटक जाते हो आप, मुद्दे से इस कदर भटके कि अब ये ऐसे लोगों के पक्ष में जा खड़े हुए हैं जो देशद्रोह की बात करते हैं, देश को टुकड़े करने की बात करते हैं, और अब उस हद तक गुजर गए इन्होंने मंदिर और हिंदू धर्म पंडितों इन सब पे हमला करना शुरू कर दिया, जिसका यही सबसे बड़ा कारण है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और अन्य जगह भी चीज़ें वायरल हो रही हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन अब इनके खिलाफ देश में खड़ा हो रहा है, और जो वीडियो हमने आपको दिखाया यह है उत्तर प्रदेश का, जहां पे राकेश टिकैत का पिंडदान हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिए, जुड़े रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।